हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एग्जाम बोर्ड के जो मॉडल पेपर सेट हैं उसके जो हैं जीएस के पार्ट, इसमें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का ये मॉडल पेपर सेट नंबर तीसरा होगा। ठीक है, तीसरे का इसमें जीएस के पार्ट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके हिंदी के पार्ट करा दिए हैं, ठीक, और दो सेट भी करा दिए हैं, और इसका जो पीडीएफ टेलीग्राम पर जीडी साइंस क्लासेस पर भेज दिए हैं। ठीक है, पूरा सेट। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, ढील थोड़ा भी मत दीजिए, तैयारी करते रहेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, एग्जाम में। चलिए भाई, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहने की मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए, पहले सेट में ही ऐसे प्रश्न आया था आपका, नदियों के किनारे बसे शहर, उसे हमने आपको बताया था। कहने की कुवम, कावेरी, वे गई या पेन्नार, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो नदियों से संबंधित किनारे बसे नगर प्रमुख पूछे जाते हैं आपसे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वे गई नदी के किनारे जो है मदुरई शहर स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ जो हैं नदियों के किनारे जो हैं शहर जो हैं आपसे पूछा जाता है। ठीक, जैसे आपसे करें हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, ये मूसी नदी के किनारे। ठीक है, मूसी नदी के किनारे। ठीक है भाई, और सूरत किसके किस सूरत जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये ताप्ती, ठीक है, ताप्ती नदी के। और नासिक आप जानते हैं गोदावरी के, ठीक है, किनारे स्थित है। और अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, ये सरयू, ठीक है, सरयू नदी के किनारे। ठीक है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, ठीक है। और देखिए हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, ये किसके गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, और पणजी आपसे पूछता है तो ये मांडवी नदी के किनारे हैं। ठीक है, और कुछ आप जानते हैं आगरा, दिल्ली, ये यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। लखनऊ गोमती नदी के किनारे, ठीक है, और श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो ये कुछ जो हैं शहरों के नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पहला अगला प्रश्न है, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। तो ये भी प्रश्न आपको बताया था हमने, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा गया था अगले सेट में भी। ठीक है, कहने कि वारेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, देखिए जो लॉर्ड हैं इनसे जो हैं गवर्नरों से प्रश्न आपसे बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, जुलाई 1905 में जो है बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था, लॉर्ड कर्जन, और 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये प्रभावी हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो और देखिए जो है इसको जो है 1911 में जो है रद्द कर दिया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कहने कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी। बताइए, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कहने कि गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी या कानपुर। ठीक है, राइट आंसर आपका कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो आप जानते हैं 4-5 फरवरी 1922 में जो है गोरखपुर में एक जेल में जो है कुछ भारतीय उपद्रवियों द्वारा जो है जेल में क्या कर आग लगा दिया गया था, जिस कारण से क्या हो गया था भाई, वहाँ पर 22 से अधिक पुलिसकर्मियों की क्या हो गई थी, उसमें मृत्यु हो गई थी। इस कारण से जो है महात्मा गांधी दुखी होकर जो असहयोग आंदोलन था वे जो है वापस ले लिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहे कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट कौन सा हो जाएगा, कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के या सिख धर्म के। तो हीनयान और महायान किस धर्म के ग्रंथ थे, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए गौतम बुद्ध से संबंधित यहाँ बौद्ध धर्म से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो जन्म इनका जानते हैं 563 ईसा पूर्व में लुम्बनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और
और इनके जो है पूछा जाता है ये 29 वर्ष की अवस्था में जो इन्होंने गृह त्याग दिया, और गृह त्याग को जो है बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महा भी निष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है ठीक है। और प्रथम उपदेश पूछा जाता है तो कब दिए, कहाँ दिए थे, सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक, और इनकी भाषा आप जानते हैं क्या थी भाई, पाली भाषा में ये उपदेश देते थे। ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश भी पूछा जाता है ये कहाँ दिए थे, ये श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती ध्यान रखिएगा। मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो जाती है। ठीक है, और जिसे हम महापरिनिर्वाण कहलाया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, करें जवाहरलाल नेहरू, विनायक सावरकर, या महात्मा गांधी, या भगत सिंह, बताइए। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनायक सावरकर जो हैं अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। देखिए ये जो है 1904 में की गई थी। इनके एक भाई जो है गणेश सावरकर भी थे, तो इसके जो हैं ये दोनों भाइयों ने जो है मिलकर शुरू किया था। ठीक है, तो विनायक सावरकर और इनके भाई जो है गणेश सावरकर द्वारा यह जो है 1904 में शुरू किया गया। देखिए जो है 1899 में इन दो भाइयों ने जो है नासिक में एक जो है क्रांतिकारी गुप्त समाज का मित्र मेला शुरू किया गया था। मतलब 1800 ये जो है इसकी शुरुआत जो है 1899 में ही की गई थी, जो कि एक क्रांतिकारी गुप्त समाज मित्र मेला के रूप में की गई थी। ठीक है, मित्र मेला के रूप में की गई थी। आगे चल के ये ये जो है 1904 में, ठीक है 1904 यहाँ पे देखिए गलत लिखी है 1904 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तो ये इसकी स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ सही हो जाएगा, विनायक सावरकर और इनके भाई का नाम गणेश सावरकर। ठीक, तो दोनों का आपको नाम याद रखना है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, देखिए मुद्रा और करेंसी आपको ध्यान देना है, यानी कि मनत किस देश की मुद्रा है, बताइए मनत। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, यानी कि अंडोरा का है, आर्मेनिया का, अल्बानिया का, या अजरबैजान का। तो मनत किस देश की मुद्रा है, राइट आंसर आपका यहाँ डी हो जाएगा, अजरबैजान का है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। यही अगर आपसे पूछे अजरबैजान की राजधानी पूछ ले तो क्या बताएंगे, बाकू। ठीक है, बाकू। ठीक है, आइए देखते अंडोरा, देखिए अंडोरा की राजधानी क्या है, अंडोरा ला बेला। ठीक है, और इसकी मुद्रा क्या है, यूरो। यूरो जो है अंडोरा की मुद्रा है। ठीक है, देखिए अल्बानिया, अल्बानिया की राजधानी क्या है, तिराना या तिराने। ठीक है, तिराना या जो है तिराने भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है अल्बानिया की राजधानी है तिराना। ठीक है, और मुद्रा क्या है, अगर अल्बानिया की मुद्रा पूछे तो आप बताएंगे लेक। ठीक है, लेक। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। देखिए आर्मेनिया, आर्मेनिया की राजधानी क्या है, एरेवान। क्या भी, एरेवान। एरेवान जो है ये किसकी मुद्रा है, वो सारी राजधानी है आर्मेनिया की, और मुद्रा आप जानते हैं द्राम। ठीक है, मुद्रा भी ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपकी हो सकता है थोड़ा से कठिन आ जाए, तो आपकी तो आसान आई थी आपकी राजधानी और मुद्रा। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आज देखते हैं अगला है, अगला कह रहे विश्व पर्यावरण दिवस स्पेस को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय गणित दिवस आप जानते हैं 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये किस गणितज्ञ के जन्मदिन पर मनाया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीनिवास रामानुजन के। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जो है जन्म 22 दिसंबर 1887 में जो है मद्रास में हुआ था। ठीक है, मद्रास में इनका जन्म हुआ था।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं, विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? राइट आंसर आपको यहाँ हो जाएगा, कह रहे कि भोजपुरी, मैथिली, डोगरी या मराठी। राइट आंसर आपको यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मैथिली। ठीक है, अगला है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी किरण देसाई, चेतन भगत, सलमान रुश्दी या अरुंधति राय। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुंधति राय। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है? तो किस राज्य में सबसे अधिक होगी? सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर इसका राइट सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो है रेलवे लाइनों की लंबाई जो है सबसे अधिक है। अगला है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल, देखिए नहीं वाली हमको बताना है, ठीक है, नहीं है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो आप जानते हैं इसका आसान प्रश्न है अभी, तो ये देखिए गेहूं, ठीक है, गेहूं जो है ये रबी की फसल है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो जो भारत में जो है तीन प्रकार की फसलें जो हैं पाई जाती हैं, खरीब, रबी और जायद, ठीक है, और ये मक्का, धान, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब खरीब की फसलें हैं, ठीक है। अल्फांसो किस फल की किस्में हैं? यहाँ पे आपको बताना है अल्फांसो किस फल की किस्में, कहें केले, आम, सेब, अंगूर। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जो है आम की एक किस्म है, ठीक, अल्फांसो। अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय स्थित है? ठीक है, देखिए इसकी स्थापना जो है 1929 में 16 जुलाई को, 16 जुलाई 1929 की जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। आपसे इनका मुख्यालय बताना है, करें नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, देहरादून में या मुंबई में। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ये इसका मुख्यालय कहाँ भी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में, ठीक है। करें उष्ण कटिबंधी वर्षावन साइलेंट घाटी में पाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा, करें कि केरल में, राजस्थान में, मणिपुर में या मेघालय में, तो ये आप जानते हैं साइलेंट वैली, आप सही ऑप्शन हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल में। अगला है, करें मधुमक्खी के डंक जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ अम्लों से संबंधित आपसे प्रश्न एक पूछा जाता है, सही ऑप्शन हो जाएगा, करें कि एसिटिकम, गंधक, हाइड्रोक्लोरिक या फार्मिक अम्ल। यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, फार्मिक अम्ल, ठीक। तो मधुमक्खी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ है, जैसे टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो अंगूर में, ठीक है, अंगूर और इमली में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, टार्टेरिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल आप जानते हैं दही में पाया जाता है, ठीक है, और फार्मिक अम्ल जो है मधुमक्खियों और लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है। एचसीएल किस में पाया जाता है? ये मानव के पेट में, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर और पालक में, ठीक है। और स्कार्बिक अम्ल ये जो है आंवला, खट्टेदार फल, करौंदे, जैसे पूछे करौंदे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप बताएंगे स्कार्बिक अम्ल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अगला है, घरेलू बर्तनों की सफाई के लिए किस रसायन पदार्थ का उपयोग करते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक फार्मूला भी पूछा जाता है, Na2CO3, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका नाम अमोनिया NH3 होता है, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा।
अगला है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत हुई थी? देखिए मानवाधिकार जो है आपके टॉपिक में भी है, ठीक है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा है? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 या मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 अक्टूबर 1993 को जो है इसकी स्थापना होती है, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के तो रंगनाथ मिश्र थे, ठीक है, वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा हैं, ठीक है। मुख्यालय आपको जानते हैं कहाँ है, पूछा भी था, नई दिल्ली में है, ठीक है, ठीक है। और इसका कार्यकाल जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और यूपी में जो है, उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 7 नवंबर 2002 को की गई थी, ठीक। और यूपी का जानते हैं आप, इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है। लखनऊ में अध्यक्ष कौन है, बालकृष्ण नारायण, ठीक है। तो ये आपको इतना यहाँ ध्यान देना है। और विश्व मानवाधिकार आप जानते हैं 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हथियार साइबर अपराध के रूप में कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो नहीं वाला आपको यहाँ बताना है। देखिए क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी ये साइबर अपराध के अंतर्गत आता है, कराता है कि लॉगर का प्रयोग करके किसी की जासूसी करना या आईपीआर उल्लंघन या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कि लॉगर का उपयोग करके किसी की जासूसी करना या जो है एक जो है हथियार साइबर अपराध के रूप में नहीं है, ठीक है। कहने की स्पेस का उपयोग करके हम दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों और ग्राहकों को संदेश, चित्र, ऑडियो और वीडियो भेज सकते हैं, किसके माध्यम से? फेसबुक, क्वेरा, पिंटरेस्ट या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा या जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेसबुक, जिसकी स्थापना 2004 में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है, जो जिसका नाम जो है 2021 में मेटा कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन से देश के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किनके बीच किया गया? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किसके बीच किया गया? राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे कि भारत नेपाल, भारत फ्रांस, भारत इंडोनेशिया या भारत जापान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत और जापान के बीच, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कह रहे लाडली बहना योजना किस राज्य की एक अनूठी पहल है? सही ऑप्शन हो जाएगा, कह रहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। यहाँ पे सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश का है। निम्नलिखित में से किस वस्तु पर अभी जीएसटी पर नहीं लगाया जाता, मतलब जीएसटी कर जो है किस पे जो है नहीं लगाया जाता है, आपको बताना है। राइट आंसर आपके यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कह रहे तंबाकू, कपड़े, शराब या लघु उत्पाद। तो किस पे नहीं लगाया जाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शराब पर, ठीक है। तो शराब पर जो है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है नहीं लगाया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए जीएसटी की कितनी दरें हैं, 4 दरें हैं, ठीक है, 5% और 12% 18% और 28%, ठीक है, तो सबसे कम भी पूछ सकता है, सबसे अधिक भी पूछता है, ठीक है। और जो है यह जो है कैसा करें, अप्रत्यक्ष करें, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सिफारिश किसकी सिफारिश पर लाया गया, विजय केलकर समिति की, ठीक है। और अनुच्छेद 279A
101वां संविधान संशोधन 2016 से इसे क्या किया गया, जोड़ा गया। जीएसटी परिषद में सदस्य कितने हैं, 33 हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और सब सर्वप्रथम जीएसटी किस देश ने लागू किया, ये 1954 में फ्रांस ने, ठीक है, फ्रांस ने, ठीक है। और जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल आपसे पूछा जाता है, 122वां, ठीक है, ये, ठीक है। और मुख्य प्रकार के जीएसटी कौन, यस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की जो है जीएसटी जो है कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, ठीक है। तो देखिए जीएसटी आपके चैप्टर में है, तो ये प्रश्न आपसे श्योर है, यहाँ से निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। तो इसका मुख्यालय अगर जीएसटी का पूछे तो नई दिल्ली, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला करें, भारत किस देश के साथ फ्री डेटर ड्रोन खरीद करने के लिए रक्षा सौदा किया है। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यूएसए के साथ, ऑप्शन सी आपका यहां सही हो जाएगा। करें कि बटेश्वर मेला जो पशु मेला है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है, ये कहां किया जाता है, करें कि गाजियाबाद, बलिया, आगरा या सीतापुर में। राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर इसका 25 का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगरा में, ठीक है। बटेश्वर मेला जो है पशु मेला है या जो है इसका आयोजन आगरा में किया जाता है, ठीक है। कह रहे पुलिस बल में निम्न में से कौन कौन निकाय शामिल होते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा, सिविल, सशस्त्र और सवार, प्रांतीय पुलिस, ऑप्शन बी करें सरकारी रेलवे पुलिस, ऑप्शन सी करें ग्राम चौकीदार या उपयुक्त सभी। राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा ए नंबर, सिविल, सशस्त्र और सवार, प्रांतीय पुलिस। अगला है, राष्ट्रीय पेंशन योजना द्वारा विनियमित होता है, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ये किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PFRDA द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय पेंशन योजना द्वारा विनियमित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो इसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, पेंशन निधि तो यहाँ पे राइट आंसर उसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, PFRDA, ठीक है। तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण कहते हैं, ठीक है, थीके? तो इसकी जो है स्थापना जो है 1 जनवरी 2004 को जो है इसका नामकरण किया गया था, ठीक है, 1 जनवरी 2004 को। उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था, करें मुरारजी देसाई, जॉन मथाई, एनके चंद्रा या आरके षणमुखम चेट्टी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, आरके षणमुखम चेट्टी द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा, कह रहे हैं कि फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है किसी व्यक्ति को किस सजा में कुछ ढील या फांसी की सजा हुई है तो उसे उम्र कैद में बदल सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 72 में, ठीक है। तो ऑप्शन
डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 123 में क्या है अभी, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, ठीक है, और एक बहुत पूछा जाता है अनुच्छेद 61 में क्या है, तो अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति के खिलाफ क्या है, महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा किसी में, संयुक्त बैठक एक अनुच्छेद 108 में जो है राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ठीक है, और 52 में, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति आप जानते हैं बनने में के लिए उम्र सीमा कितनी है, 35 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है, तो आप जानते हैं कौन सा इसमें एक है, देखिए ईरान नहीं है, ब्राज़ील भी नहीं है, यूएसए तो बहुत दूर है, तो कौन है, एक बांग्लादेश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, और बांग्लादेश जो है भारत के सभी देशों से, जो 7 देश लगते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है, भारत से बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके जो हैं यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, 7 देशों से सीमा साझा करता है। ठीक है, देखिए बांग्लादेश, इधर म्यांमार, ठीक है, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये जो हैं भारत से जो हैं सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगला है साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है, यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो रत्नावली किसकी कृति है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, कह रहे हैं हर्षवर्धन, चाणक्य, सूद्रक या कालिदास, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर्षवर्धन। ठीक है, रत्नावली के रचनाकार कौन है, हर्षवर्धन। ठीक है, और इनकी एक रचना है प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका ये जो है हर्षवर्धन की ही रचना है। ठीक, तो ये दोनों रचनाएं याद रखिएगा, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ठीक है, इनके समय में जो है एक चीनी बौद्ध आया था, वो जो है हेन सॉन्ग, याद रखिएगा, 630 ईस्वी में, और 15 वर्ष तक भारत में रहा, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है हेन सॉन्ग जो है किसके समय आया था, तो हर्षवर्धन के। ठीक है, देखिए चाणक्य को आप जानते हैं, इनके इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, और जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है ये लिखे हैं। ठीक है, और कालिदास को आप जानते हैं, इनके रचनाएं जो है अभिकांश शकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है, ठीक है, नाटक है, और महाकाव्य है रघुवंशम और कुमार संभवम, और दो खंड काव्य हैं मेघदूतम और ऋतु संहार। आइए देखते हैं अगला, कहें कि बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है, ये आपको यहाँ बताना है, तो कहाँ पे है अभी, ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा प्रांत शहर में जो है 43 किलोमीटर जो है ये जो है फतेहपुर सीकरी में है। ठीक, इसका निर्माण जो है 1571 में जो है अकबर द्वारा कराया गया था। ठीक है, करें ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है, तो आप जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में जो है राजा राम मोहन राय ने किया था, तो ये कहाँ पर किए थे भाई, तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए ये कलकत्ता में किए थे, तो कलकत्ता कहाँ है, ये आपका कहाँ है, कह रहे बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बंगाल में। ठीक है, कभी कभी आपको कलकत्ता ऑप्शन में देता है, कभी बंगाल में, तो दोनों ऑप्शन नाम याद रखना है। ठीक, तो ये 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। अगला कहने की गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस एक अभिन्न हिस्सा है, तो ये आपको यहाँ बताना है, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए मूल कर्तव्य आपको जानते हैं जो है भाग 4A में है। ठीक है, और राज के नीति निर्देशक सिद्धांत तो ये जो है भाग 4 में है, नागरिकता भाग 2 में है। ठीक है, और मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है गोपनीयता का अधिकार, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये जो है मौलिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किया गया था, तो ये कई बार परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत, कह रहे कि 1994 में 1974 में
35वें या 1985 में 42वें या 1978 में 44वें या 1976 में 42वें। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह तीनों शब्द जोड़ा गया था, जिसे मिनी संविधान संशोधन कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, अगला है, संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा। सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जो है मणिपुर में मनाया जाता है संगाई त्यौहार। ठीक है, तो इस प्रकार जो है 38 प्रश्न आपके लिए पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला जो है प्रैक्टिस सेट आपको हम कराएंगे, पूरा 10 मॉडल है तो 10 कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।